आभारी हूं कि मुझसे पूर्व मेरे इस सदन के सम्मानित साथियों ने और हमारे माननीय मंत्री जी के द्वारा द लेबर लॉज एग्जेम्पशन फ्रॉम फर्निशिंग रिटर्न्स एंड मेंटेनिंग रजिस्टर्स बाय सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट्स अमेंडमेंट बिल 2011 जो प्रस्तुत किया गया उसके समर्थन में मुझे बोलने का आपने मौका दिया। काफी विस्तार से माननीय सदस्यों की बात आ गई है, मैं उन बातों की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता हूं जो माननीय सदस्यों ने इसके पूर्व में श्रमिकों के हक हकूक की हिफाजत के लिए उनके हितों पे कोई कुठाराघात न हो उसके संबंध में और जिस तरीके से ये एक्ट आया है ये तो निश्चित तौर से मैं समझता हूँ कि जो मौजूदा एक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में उसको एक सिंप्लीफाई करने के लिए फर्स्ट शेड्यूल को किया गया है और जो एक संख्या थी जिसके बारे में हमारे माननीय सदस्यों ने भी कहा कि उसको बढ़ाया गया। मैं आपके माध्यम से केवल कुछ बातें कहना चाहता हूँ कि इसमें जो ओरिजिनल एक्ट है उस ओरिजिनल एक्ट 1988 का था, उसके फर्स्ट शेड्यूल में अभी तक केवल 9 लेबर लॉज उसके अंतर्गत कवर होते थे, जैसे द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, द वीकली हॉलीडेज एक्ट, द मिनिमम वेजेज एक्ट, द फैक्ट्रीज एक्ट, द प्लांटेशन लेबर एक्ट और इस तरीके से वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज़पेपर्स एम्प्लॉयज एक्ट, द कंट्रोल लेबर रेगुलेशन एंड एवोल्यूशन, द सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एंड द इक्वल रिम्यूनरेशन। तो उस 9 को 1988 के इस अमेंडमेंट में अब हमने फर्स्ट शेड्यूल में 9 की जगह पे 16 कर दिया है, तो स्वाभाविक है कि जो अभी तक इसमें नहीं कवर था जैसे द चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस, द डॉक वर्कर्स, द इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स, इस तरह से हमने 9 की जगह पे 16 ये लेबर लॉज को हमने इसमें कवर किया है। तो स्वाभाविक है कि जहाँ हमने ये अवसर दिया है कि इन सारे कानूनों को उस परिधि में लाएं और जो अभी तक 15 से 19 तक का न्यूनतम था उसकी संख्या बढ़ा करके अब 40 कर दिया है, तो स्वाभाविक है काफ़ी सुविधाएं दी गई, जैसे चाहे डिजिटल के संबंध में हो कि अब सीडी से भी दे सकते हैं, इन्फॉर्मेशन क्लॉपी हो सकती है। लेकिन एक बात मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि ये जो रिटर्न फाइल करने के लिए इसको सिंप्लीफाई किया है इस एक्ट को, निश्चित तौर से स्वागत योग्य है क्योंकि आज पूरी दुनिया के बदलते हुए परिवेश में आज कागजों की कमी हो रही है और स्वाभाविक है कि सब काम आज हम सीडी पे या हम जिस तरीके से फ्लॉपी से कर रहे हैं रिटर्न फाइल उस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज ये देखने की आवश्यकता होगी कि जो हम रिटर्न फाइल करते हैं ये हमारा प्रबंध तंत्र करता है या इस स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट के अंतर्गत, क्या उसमें एक्चुअल फिगर जो है उसके उसको दे रहे हैं, उसके रिटर्न फाइल हो रहे हैं, या जो लेबर को एक्चुअल बेनिफिट मिलना चाहिए वो एक्चुअल बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और जो संख्या दिखाते हैं वो संख्या भी जैसा हमारे माननीय सदस्यों ने भी चिंता व्यक्त की है कि संख्या अगर अधिक भी है और उसको कम दिखा करके, तो स्वाभाविक है कि उसी उन लोगों के हक हकूक की सुरक्षा के लिए हमने इसको और विस्तारित किया है। और जब विस्तारित कर दिया है और इसमें काफ़ी प्रोसीड्यूर को सिंप्लीफाई किया है, तो स्वाभाविक है कि हम अब एक तरफ जहां एस्टेब्लिशमेंट को आराम, दूसरी तरफ मैं एक बात कहकर अपनी कंक्लूड कर रहा हूं कि कम से कम इस समय वर्तमान समय में जो मौजूदा श्रमिकों के हितों की बात है, आज ईएसआई हॉस्पिटल्स कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बने, लेकिन ईएसआई हॉस्पिटल्स की जो वास्तविक स्थिति है मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इस बात को देख ले, डॉक्टर्स की कमी है और दवाओं की कमी है, बिजली की कमी है, आज स्थिति यह है। तो अगर हमने बनाया कि श्रमिक के हेल्थ के लिए, उनके हक के लिए, अधिकारों के लिए, उनके रिमिशन के लिए, तो निश्चित तौर से उसको निश्चित गौर करेंगे। करना करें करना